फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है स्टार्ट विद वाई। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर वाइज चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, वाई से शुरुआत की मतलब है कि किसी भी काम को लेकर हम एक पर्पज के साथ आगे बढ़े। आपने कंपनी शुरू की थी, लीडर क्यों बनना चाहते हैं? क्या जिंदगी में आपका कोई पर्पज है? अगर है तो ये सब सवाल फिजूल नहीं है। आपको ये बहुत काम के लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि कई मल्टी मिलीनियर कंपनी इसलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वे एक खास पर्पज के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत वाई के साथ की। इस किताब का सब टाइटल है, कैसे ग्रेट लीडर ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर से हमारा मतलब सिर्फ उनसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में है, बल्कि उन सबसे है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं। एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी उतर गया। वाई इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडरों का काम होता है। एक अच्छा लीडर ना सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती है। ग्रेट लीडर के कई लॉयल फॉलोअर्स होते हैं जो उनके लिए किसी भी तरह का सैक्रिफाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। फॉलोअर्स अपने लीडर की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करते हैं। हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं। कंपटीटर भले ही उससे बेहतर और नया प्रोडक्ट निकाल ले, मगर कस्टमर इतनी जल्दी उन्हें नहीं खरीदते। वे अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, कैसे उस कंपनी ने इतने लॉयल कस्टमर बनाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने वाई के पर्पज के साथ शुरुआत की थी। चैप्टर 2, मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फोन मॉडल रेजर 2004 में निकाला। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फोन खरीदा। मोटोरोला के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुल मिलाकर उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट बेचे। हालांकि 4 साल में ही कॉम्पिटिटर्स ने रेजर की नकल वाले कई नए फोन मार्केट में उतार दिए थे और भी बढ़िया फीचर के साथ, तो मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने इंप्रेशन के बदले मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया, तभी इसने अपने सारे कस्टमर को खो दिया। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसकी तरफ खींच गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वो सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट खरीदते। जो मोटोरोला ने रेजर के साथ किया वो सिर्फ एक नोवेल्टी थी, एक तरह की मैनिपुलेशन, मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करेंगे तो वे बस थोड़े से वक्त के लिए ही आपको फॉलो करेंगे, भले ही उनसे काम निकलवा ले, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते। और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता। जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेटेड किया जा सकता है वो है डर, इंस्पिरेशन, प्राइज, प्रमोशन और नोवेल्टी। वोट लेने के लिए कोई पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है, वो भी प्रेशर से या पैसे देकर या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। इसी तरह सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनियां भी अपने प्राइस ड्रॉप कर लेती हैं। कुछ कंपनियां प्रमोशन और इंसेंटिव देती हैं या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, मगर ये सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर नहीं बनाता है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं मगर बस कुछ ही टाइम तक। मैनिपुलेशन के लिए काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। रेजर फोन कोई इनोवेशन नहीं था, तो इसलिए मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ऑन, लाइट बल्ब, ये चीजें इनोवेशन मानी जाएंगी क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री चेंज करके रखती। यह कह सकते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी की लाइफस्टाइल में एक चेंज आया। चैप्टर 3, आओ कुछ अलग सोचें। 1984 में जब एप्पल कंपनी बनी तब से लेकर आज तक उसका यही मोटो रहा है कि एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट को और एडवर्टाइजिंग में ये बात प्रूव भी की है, जो कुछ भी कंपनी कहती है और करती है उसके पीछे कुछ हट कर करना, यही रीजन होता है। और यही एप्पल का स्ट्रॉन्ग पर्पज है जिसे लेकर कंपनी चलती है। इंट्यूशन ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2000 की शुरुआती दिनों में लोग गानों के लिए सीडी बर्न करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए प्राइसेस
एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब ने आई ट्यूशन निकाल कर लोगों के सामने एक अल्टरनेट रखा। आई ट्यूशन और आईपैड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डुबोने से बचा दिया। क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने नहीं बनाया था? दरअसल ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड के दिमाग की उपज थी, लेकिन फिर इसका सारा क्रेडिट एप्पल कैसे ले गया? क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5GB MP3 प्लेयर नाम से रिलीज किया, लेकिन एप्पल ने आईपैड को कुछ ऐसे पेश किया, 1000 गाने आपकी पॉकेट में। क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल आईपैड क्यों खरीदे ये लोगों को पता है, क्योंकि लोग क्या नहीं समझते, वे कोई चीज क्यों है ये समझते हैं और खरीदते हैं। आईफोन के साथ एप्पल ने एक इनोवेशन किया था। ये मोटोरोला के रेजर की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, आईफोन की वजह से ही स्मार्ट फोन का ट्रेंड चला। इसे देखकर नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी टच स्क्रीन वाले फोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक इंटरफेस और सिंपल डिजाइन ने मोबाइल फोन की इंडस्ट्री ही बदल दी थी। क्या आपको ये पता है कि साल 2003 में डेल ने अपना खुद का एक MP3 प्लेयर बनाया था, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी की कंपनी को उम्मीद थी। वजह ये थी, डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। ऐसे में उसके मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों के गले नहीं उतरा, और कुछ सालों बाद डेल ने आखिरकार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा ही दिया। मगर एप्पल आखिर कैसे एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से मोबाइल और गैजेट बनाने वाली कंपनी बन गई? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का एक ही मकसद था, कुछ अलग सोचना। और यही वजह है कि जो भी प्रोसेस और प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उस सबके पीछे कुछ अलग करने की सोच ही काम करती है। एप्पल ने अपनी शुरुआत वाई के साथ की। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पज एस्टेब्लिश किया जो था सबसे हटकर सोचना। आज हम एप्पल को वाई के लिए जानते हैं, ना कि व्हाट के लिए। जब कंपनी बनी थी तो इसका लीगल नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रखा गया था, लेकिन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सिर्फ एप्पल इंक कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी अब कंप्यूटर के अलावा काफी कुछ बनाती है, ना कंप्यूटर इंडस्ट्री में बल्कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मोबाइल फोन में भी एप्पल ने अपनी लीडरशिप कायम रखी। उन्होंने हमेशा अपना पर्पज बनाए रखा, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे व्हाट बना रहे हैं। एप्पल ने इनोवेशन करके और दूसरे इंडस्ट्री में चेंज लाकर वो कर दिखाया जो HP और डेल कंप्यूटर नहीं कर सके। HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनने की काफी कोशिश की, मगर बन नहीं पाए, और फिर वे बस एक कंप्यूटर बनाने तक ही सीमित रह गए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे Amazon से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाइक जाए।